हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे कि मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है वो आ चुकी है। लेकिन कब आई, क्या प्रॉब्लम हुई, मैं वो बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट है ना, वो नवरात्रि में ही आ गई थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि पहले नेक्स्ट मंथ मैं आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, लेकिन जो नेक्स्ट मंथ की जो पेमेंट है ना, वो होल्ड में चली गई। मतलब होल्ड में चली गई, जैसे $100 पे फर्स्ट पेमेंट आती है ना, तो उसके बाद फिर वो डॉलर पेमेंट ना होके मतलब डॉलर पे ही अटक गया। और नीचे लिखा था कि $100 के बाद ही फिर से पेमेंट होगी और मंथली पेमेंट इसका मतलब नहीं होना था। तो उसके लिए ना मैंने जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो कि टेक्निकल यूट्यूबर्स कहलाते हैं और आप लोगों को वीडियोस के एंड में बोलते हैं कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं भी ओपनली आपको बोल रही हूँ कि अगर इस तरह के कोई ब्लॉगर्स आपको बोलते हैं ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल फॉलो मत करना और ना ही मैसेज का रिप्लाई मतलब मैसेज करना। क्योंकि मैं दो तीन टेक्निकल ब्लॉगर्स को मैसेज की कि ये वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं क्या करूं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। मुझे पता नहीं चलता कि बाद में ये लोग इस तरह का बोलते क्यों हैं कि मैसेज का रिप्लाई करूंगा या फिर आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ, समझ नहीं आता। तो मैंने भी मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं किया। एकदम दिमाग ना पागल हो रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मुझे $100 पे फिर पेमेंट नहीं चाहिए था, मुझे मंथली पेमेंट चाहिए थी। चाहे जो भी हो, मुझे मंथली चाहिए, चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो। तो वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने मेरे फ्रेंड वगैरह को मैसेज किया और एक बैंक में है, उनसे फिर मैंने बात की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हाँ भाभी, ऐसे ऐसे चेंज हो गया। तो वो सारी चीज़ें मैंने चेंज की, ठीक किया मैंने खुद से, तो अब शायद ठीक हो गया होगा। मंथली पेमेंट शायद अब आती होगी, क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज आ नहीं रहा है। ठीक है, जैसे जीमेल पे मैसेज आता है ना, या फिर आपके अकाउंट में कोई पेमेंट आती है तो मैसेज आता ही आता है, कोई मैसेज आ नहीं रहा है। तो मुझे इसके लिए फिर बैंक जाना पड़ेगा, मुझे देखनी पड़ेगी। इन्हीं सब वजह से मैं आपके साथ ये गुड न्यूज़ शेयर नहीं कर पा रही थी कि मैं कैसे शेयर करूँ जब मेरी मंथली पेमेंट आ ही नहीं रही है। तो अब मैं अपना अकाउंट चेक करूँगी और फिर देखूँगी क्या है नहीं है। और अगर आपको इसका सोल्यूशन पता है, कैसे ठीक हो सकता है, कैसे मैसेज आए, कैसे चेक करूँ, तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेकर ना कभी कभी टेंशन हो जाती है। वैसे मैं होती नहीं हूँ, पेमेंट आई तब भी ठीक है, नहीं आई तब भी ठीक है, क्योंकि मैं मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जब काम कर रही हूँ तो उसका कुछ तो मिलना चाहिए ना। और फर्स्ट पेमेंट आई, अच्छी पेमेंट थी, अमाउंट अच्छा था। तो मंथली पेमेंट उतनी नहीं आती है जितनी कि फर्स्ट पेमेंट में आती है, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ तो आया ना, यही बहुत है। और ये सब मुमकिन हो पाया आप लोगों की वजह से, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के साथ की वजह से। मेरे बकवास वीडियो आप देखते थे, क्योंकि मुझे मैसेज आता था कि बकवास वीडियो है, क्या क्या बोलती है समझ नहीं आता, और फिर भी बकवास वीडियो भी आप देखते थे। और जो आप देखते हैं, ऐड आती है और ऐड से ही पेमेंट होती है हम लोगों को। तो आप लोगों को दिल से थैंक यू। अगर नेक्स्ट पेमेंट अगर कंटिन्यू हुआ मंथली, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी पेमेंट जो मंथली हो गई है। और बस यही बातें आपके साथ शेयर करनी थी, और क्या, और कुछ नहीं, बस छोटा सा ये वीडियो मुझे बनाना था। तो आप लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। और बाय, लव यू ऑल।